किसान भाइयों राम राम नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी उत्तर प्रदेश के मंडी धनौरा में हूं और मंडी धनौरा में एक गजब के कारखाने की एक के बाद एक कई वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। जी हां दोस्तों, यह मंडी धनौरा में अशोका इम्प्लीमेंट्स का कारखाना है और पूरे उत्तर प्रदेश में यदि कोई सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा यंत्रों वाला कारखाना है तो मेरी नज़र में यह मंडी धनौरा का अशोका इम्प्लीमेंट्स का कारखाना है। गन्ने की बुवाई करनी हो या गन्ने की गुड़ाई करनी हो या आपको कई तरह की हैरो, आपको कपलिंग हैरो लेनी हो या आपको विभिन्न प्रकार के टिलर लेने हो, सी टाइप या किसी भी प्रकार के कोई भी मशीन लेनी हो, खेती किसान की छोटी से लेकर के बड़ी यहाँ उपलब्ध हो जाती है। इस कंपनी के प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं, कैसे आप मंगा सकते हैं, कैसे आकर के खरीद सकते हैं, पूरा वीडियो देखें। दोस्तों वीडियो का लिंक भी अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसान को बढ़िया फैक्ट्री की जानकारी हो सके। और दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ की जो बने हुए जितने भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं सब सब्सिडी के लिए भारत सरकार से मान्य है। अब मैं आपको पहले इस वीडियो में गन्ने की बुवाई और गन्ने के खेत की गुड़ाई के इम्प्लीमेंट दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको सी टाइप हैरो दिखाऊंगा। देख सकते हैं आप, ये गन्ने की गुड़ाई करने वाला यंत्र है और ये बहुत ही गजब का यंत्र है। इस यंत्र के बारे में जहाँ जानकारी करते हैं इस कंपनी के प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद है। जी भाई साहब, ये आप शुभ नाम क्या है आपका भाई साहब, पहले तो अपना नाम बताइए। किसान भाइयों नमस्कार जी, मैं करण सिंह मंडी धनौरा से बेस्ट अशोका इम्प्लीमेंट्स की तरफ। अच्छा करण सिंह जी, ये जो हम देख रहे हैं ये जो है आपका जो टेलर है वो किस तरह का टेलर है, क्या खास बात है इसकी? इसको 15 ये 15 टन का बना हुआ है। अच्छा 15 टन का, 15 टन का बना हुआ है। ये गन्ने की गुड़ाई के लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें क्या तेहरी फाली है? तो तेहरी फाली का साधन ये है, देखिए जब पहले हमारे किसान भाई क्या होता था कि मिट्टी चढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते थे। जी जी, बहुत ज्यादा परेशानी का मतलब यह है कि भाई अगर उनके पास यंत्र है तो वो मिट्टी चढ़ा सकते हैं, किसी के पास नहीं है तो फावड़े से ज्यादा प्रयास करने। जी 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 जी, लेकिन हमने देखिए ये 7 इंच चौड़ा ये ब्लेड पीछे लगा दिया है। 7 इंच चौड़ा ये ब्लेड फावड़ा लगाया है। जी 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 जी, ये जुताई के साथ साथ हाथों हाथ मिट्टी चढ़ाने का भी कार्य करेगा। जी जी जी, गन्ना गुड़ाई के साथ साथ मिट्टी चढ़ाने का भी कार्य करेगा। अच्छा एडजस्टमेंट भी है पीछे दे रखा है, पीछे बिल्कुल यहाँ से कीजिए। अच्छा अच्छा, आपका गन्ना कितना ही चौड़ा कितना ही नेड़ा है, जो जनरल गन्ना है उसको आप इससे सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, क्या साइज है जी इसका, कितना कितना बीज का एरिया? 28 इंची, 30 इंची, 32 इंची तक के गन्ने के लिए। अच्छा अच्छा, इम्पोर्टेड है। अच्छा तो ये टेलर इस पर कौन सा ट्रैक्टर बढ़िया काम करेगा इस पर, जो बिना लोड माने चले? 35 HP से लगा के 35+ कोई भी जोड़ सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये तो हो गया गुड़ाई वाला गन्ने का। जी अच्छा, अब हम इसका वजन कितना माने भाई साहब, इसकी हैरो वेरो टेलर मुड़ देंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेंटेनेंस नहीं आएगा? समथिंग 3+ 3+ का होगा। अच्छा समथिंग 3+। अच्छा अच्छा, अब हम ये दूसरा वाला ये देख रहे हैं आपका, ये गन्ना बुआई का है, बुआई का रेजर। ये गन्ना बुआई का रेजर है, रेजर। जी 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 जी, इससे हम जनरल गन्ना बोते हैं। जी जी, क्या बैड की बीज की दूरी रहेगी इसमें? बीज की दूरी हम इससे 28, 30, 32। जी 28, 30, 32 इंची तक गन्ना बो सकते हैं, यहाँ तक कि अगर बात करें तो हम जो है 26 इंची पर भी इसको बो सकते हैं। 26 इंची पर भी एडजस्ट मतलब कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, 26 इंची तक भी हम इससे गन्ना बो सकते हैं। अच्छा अब हम ये रूटर देख रहे हैं आपका, ये भी गन्ने में ये छोटे छोटे ट्रैक्टर का गन्ना जुताई का इंटीमेशन है। इंटीमेशन है, तो ये क्या काम करेगा जी गन्ने में, खाली जुताई जुताई करेगा कुछ और काम भी करेगा? बिल्कुल, गन्ने की जुताई के ही लिए ये इंटीमेशन करता है, इसको कहते हैं इंटर रो। इंटर रो, अच्छा इंटर रो कहते हैं जी। कितने बीच में दूरी क्या रहेगी इसके भाई साहब? इसकी बीच की दूरी गुल के हिसाब से रहेगी, और ये जो है वही जो मैं बता रहा था, ये इसके जो है ये जो हम गन्ना वही 28, 30, 32 इंची पर बोते हैं उसके लिए ये जो उसके लिए जुताई के लिए कार्य में। तो ये बच्चा ट्रैक्टर चला सकता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, तो 17 HP से लगा के 25 HP तक कोई टू जट कोई भी ट्रैक्टर। सिंह साहब, ये तीनों जो यंत्र हम देख रहे हैं गन्ने वाले, इन पर सब्सिडी के लिए मान रहे हैं आपके यहाँ से? हाँ सब्सिडी के लिए। तो अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा कॉस्ट क्या रहेगी इसकी? नहीं कॉस्ट तो देखिए हम जो है घटती बढ़ती रहती है ना, ऐसा ना नेटवर्किंग के द्वारा जो है कॉस्ट जो है हमेशा घटती बढ़ती रहती है, तो इसलिए हम जो है थोड़ा फोन पे जो है रेट नहीं बता पाते। अच्छा तो करण सिंह जी, कैसे किसान भाई यदि खरीदना चाहते हो कैसे संपर्क करें, आपके आसपास डीलर भी हैं या सीधे कारखाने पर आके संपर्क करें? नहीं मेरे सीधे कारखाने पर आइए, मैं मंडी धनौरा जी डिस्ट्रिक्ट जेपी नगर अमरोहा से बात कर रहा हूँ जी। ये मंडी धनौरा में ये कारखाना है बेस्ट अशोका इम्प्लीमेंट, इसका कॉन्टैक्ट नंबर 94 94 12 63 63 70 पे संपर्क करिए। ये नंबर है यहाँ का?
तो किसान भाइयों, ये करण सिंह जी जो कंपनी के प्रतिनिधि, इन्होंने बताया है जो गन्ना के यंत्र हैं, गन्ना बुवाने के या गन्ने की निराई गुड़ाई करने के या फिर सेंच विधि के गन्ने की ढंग से जुताई करने के लिए, बच्चा ट्रैक्टर पर काम करने के लिए, आप इस कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकते हैं और मोल भाव करके, जाँच परख करके खरीद सकते हैं सब्सिडी वाले गन्ना के कृषि यंत्र।